बर्थडे पे मुझे ये कोलाज गिफ्ट किया था. ये घर की पिक्चर है, ये लास्ट बर्थडे की है, ये एयरपोर्ट पे, ये कहाँ जा रहे थे हम, आई थिंक दुबई के बैंकॉक कुछ इस तरह से किसी ट्रिप पे थे, शायद फुकेट में थे. ये ईद की है, ये फुकेट नहीं, ये मैं माहिद खावर के किसी कजन की शादी थी उस पर मुझे उन्होंने बुलाया था, तो उस पर जा रही थी. फिर ये क्लब की पिक्चर है, ये शॉपिंग की पिक्चर है, और ये फिर एक शो देखने जा रहे थे हम, ये किरण की मामा, मेरी मामा, मैं और किरण. ये जब ये बहुत खतरनाक पिक्चर है, क्या हुआ इसको यहाँ, ओके टैटू बनवा रहे थे, टैटू हाँ अमीर के, मैंने तो नहीं देखा आज तक, राइट हियर, कैन यू सी दैट, ओके दिस इज सबा इन थाई लैंग्वेज, मुझे चाहिए तो चाइनीज में बनाइए. Madam, I don't know Chinese. I only know that Thai. Can I write it? I'm like, okay, you write it, boy. Thai, I write it. No, no, no. So, this is how much fun I'm having. Please, please, please. No, it's not much. It's just like vaccine, just like. Yeah, it's not much. Since then, I've been very angry. Sir, look. Then I thought, you're not a friend, you're a enemy. Give me your heart. Don't do anything. More things after that. After that, I came back. I heard a lot of funny things. सो अगेन ये एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है, ये बीच की है, लास्ट ईद की है, डिफरेंट मुलाकातें हैं हमारी. अब किरण प्यार में है, कुछ नहीं, किरण मेरे दिल में है और मिलती रहती है, हाँ आती है. ये भी होता है एक, ओह शिट, ओह गॉड, नो 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 नो, आई डोंट लाइक माय सेल्फ, नहीं मैं हमेशा छुपा के रखती हूँ शिट. नहीं नहीं, मैंने कभी भी अपने बेडरूम में आपने कहीं पिक्चर नहीं देखी होगी, मुझे बिल्कुल उस तरह से पसंद नहीं. वो तोहफे इसलिए लगाए हुए, ये मैं हूँ और इसको तो छुपा ही देना, क्यों पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अपना आप इस तरह से देखे. हाँ एक और गिफ्ट है, ये आप पढ़े, ये मेरे एक और गुड फ्रेंड माहिद खावर, उससे मेरे बर्थडे पे मुझे पता है. नसीहतों से भरा हुआ एक कैरेक्टर है वो, शादी क्यों नहीं करती, वो कहता देख मेरी एक माँ है वो काफी है, तू मेरी माँ ना बना कर, तू एक और माँ है मेरी. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बताया तो सही है कि मुझे क्या चाहिए एक्चुअली लाइफ में, अगर मिल गया तो व्हाई नॉट. सिंपल बहुत, अब उसको रखा हुआ डिफरेंट जगहों से लिए और एक साथ नहीं ली, ये मैंने हाउस से लिया, हाँ डिफरेंट जगहों से लिए सारी चीजें. घर बनाया था ये बना, नहीं नहीं ये बना बनाया लिया था. एक्चुअली पहले जो मेरा घर था वो छोटा था, जो मैंने पहली बार लिया था वो भी बना बनाया ऐसे जा रही थी, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मेरी 10 मरले की, वो मैंने खरीदी, मैंने कहा इसमें मैं घर बनाऊंगी. सो वो ख्वाहिश रही, उसके लिए पैसे जमा हुए, जब मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी थी, उसका नक्शा पास करवाया, तो मेरी अम्मी गिर गई, अम्मी गिरी, फिर वो ये बात है 2007-08 की, तो सारे पैसे लग गए उस पर. फिर एक नए सिरे से स्ट्रगल शुरू हुई, तब तक मेरे पास एक छोटा घर और था, पर वो एक ख्वाहिश होती ना, कॉर्नर प्लॉट, सामने पार्क और बड़ा खूबसूरत सा एक एरिया में मैंने लिया. खैर अल्लाह ने किया ऐसा कि उस साल मैंने इतना काम किया और मुझे पता नहीं चला मेरी बैंक स्टेटमेंट, और ऐसे ही मैं एक दिन यहाँ से गुजर रही थी तो इस पर लिखा हुआ था फॉर सेल, और आई कॉल्ड हिम एंड दे सेड कि मैम मैंने बाहर निकलना बताया कितने पैसे देंगे, तो वो एक बड़ी स्मार्ट डील हो गई हमारे लिए, तो आई वांट इट. ये एंगल भी है सबा इज अ गुड प्रॉपर्टी, हाँ 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 दिमाग बहुत चलता है मेरा, यस मुझे लगता है कि अपना घर होना बड़ा बहुत जरूरी है. मैं मुझे जिंदगी में पता है किस चीज़ का डर है, लोगों को होता है शायद किसी चीज़ के खो देने का, मुझे सिर्फ एक चीज़ का डर है, मैं किसी की मोहताज ना हूँ, मतलब मुझे कभी किसी का मोहताज ना करें, दैट्स इट. वो बहुत खतरनाक चीज़ है कि मांगना ना पड़े कभी किसी से. अरे सबा बेडरूम में कोई इनसाइड, यू वांट टू से दैट, या प्लीज, बहुत बैड सीन है एक्चुअली. मेरे साथ क्या है, मेरे कपड़े पूरे घर में फिर रहे हैं, भाई के वार्डरोब में, साथ वाले रूम में, अम्मी के कमरे में, नीचे बच्चों के कमरे में, एक और कमरा उसमें स्टोर रूम भरा हुआ है. यहाँ तो नन्हे से चंद एक आध आपको मैं दिखा सकती हूँ, अगर आप कह रही है मुझे बड़ी शर्म आती है. कैसे ये मेरे लिए फिलहाल ड्रेसिंग है, यहाँ मैं मेकअप करती हूँ, बैठती हूँ, और यहाँ मेरी एक चेयर होती है जो बाहर रखी है अभी मैंने, और अगेन यू कैन सी दैट ऑब्सेशन. Okay.
तो कपड़े आप जूते देख रही हैं, उमड़ उमड़ के बाहर आ रहे हैं। अच्छा, कपड़ों से ज्यादा जूते हैं। हाँ, ये देखिए एक लाइन लगी हुई है ऐसे पीछे, साथ वाला रूम है वो सारा भरा हुआ है, उधर से अम्मी ने निकाल दिए बाकी चीजें, वहाँ सारे एक एक लाइन गंदा वाला। आपको क्या एक आध चीज दिखाती हूँ जैसे। अच्छा, इन सब में सबसे एक्सपेंसिव कौन सा ड्रेस? एक्सपेंसिव ड्रेस तो अभी यहाँ मुझे वो ये मेरी, मुझे लगता है कि अभी तक का मेरे वार्डरोब में जो हैंग है ना, ये मैंने लंदन से लिया था। दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव, लंदन में पहना था सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो वहीं से लेके लटका दिया दोबारा। और न्यू ईयर पे मैंने ड्रेस ली थी जिसकी कीमत सिर्फ 1.5 लाख थी शायद सिर्फ। हाँ, और आप मजे की कहानी सुने कि मैं अकेली पहन के पिंग पोंग, वहाँ एक रेस्टोरेंट है लंदन में, वहाँ अकेली खाना खा कर वापस आके आज करे हंस हंस के बाद में देखूंगी। ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे शारदा, मुंबई में होती, मुंबई में मेरी जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने जब देखा कि सभा को जूतों का शौक है, मजे की बात आज तक मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए जूते कोई भी इनमें से। आप मतलब कभी जूतों में सबसे एक्सपेंसिव जूता कौन सा है? ये मेरा वर्साचे का वैलेंटिनो, सारे जूते बड़े, इसके बगैर काम नहीं चलता। आपके लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए, वो डार्क हो जाते। कैसे कैसे आप तैयार रहते हो? बीबी क्रीम, लिप बाम, इससे सारा मेकअप हो जाता है। बीबी क्रीम लगाए, उसके बाद हल्का सा ये यहाँ लगाया, ये यहाँ लगाया और यहाँ लगाया और हो गए तैयार जी। वेरी गुड, कोई इसमें झूठ नहीं है, सच्ची बात है। Done. और आपका कोई एक नेल कलर होता है ना आपका बहुत फेवरेट होता है, सो मैं मैक्स क्या करती हूँ, ये है एसी का, इट्स बर्बरी नॉटी, दिस इज माय फेवरेट। जब मैं बहुत कोई वाइल्ड मूड होता है, जब मैं खुश होती हूँ तो ये कलर चलता है, नया आ जाता है। हाँ, मैं एक साथ एक दो खरीदती हूँ। उसके बाद एक ये है एसी का ड्रेस, ये मुझे अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी लाइट मूड हो तो ये चलता है। पर मैं ये दिखाना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, माय 3 AM फ्रेंड एमन, उसने मुझे एक मग गिफ्ट किया था और साथ में ये छोटी सी, अगर आप क्लोज करें इसका, लेकिन क्या है, मेरे साथ तो कोई भी आ जाए, नारायण घोंसले, उफ, लाला लैंड का हीरो। सोच रहे क्या हो जाए, देखा फिर कैप्शन, नेक्स्ट ऑफ हॉलीवुड। चलो आई आगे चलते हैं, हॉलीवुड तो जब जाना है जाना है। ये क्या, what is this? okay, सुबह कब से जाग रही हैं? 6 बजे। कितने दिन हो गए? so ये है। कैसे फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। yes, so कोई नहीं जब होता तो मैं खुद को ही थोड़ा सा, पता है आपको मैं बड़ी कोई शदीद खुद पसंद वाली शौकीन है इस तरह की चीजों की, मसाजेस। हाँ हाँ हाँ, बहुत निर्माणा मेरे घर के पास है, हम जा रहे हैं लेके आपको सब। आइए हम आपको ले चलते हैं। आइए फरा, सो क्या खाएंगे आप? चाय? यू आर वेलकम। चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट? मैं और सारी खवातीन देखना चाहेंगी कि सबा कुकिंग कैसे करती है। बस आज तो इज्जत का फालूदा होने वाला है। नहीं खा लेती हूँ किचन में आके। नहीं पकाती भी हूँ, मुझे लगता है। मजे की बात बताऊँ आपको, अक्सर रात 3 बजे मुझे क्रेविंग होती है ऑमलेट की, पराठे की। सो मेरा एक भाई है राहिल, आई थिंक वो बाहर है, वो मुझे बना कर देता है, मैं यहाँ बैठ के। किस चीज की क्रेविंग होती है? पराठा। नहीं नहीं, वहाँ के टायर्स है, मैंने शर्ट ब्लूज पहनी है तो इसलिए। कहाँ पर है तो मतलब वो कहाँ जाता है जो जो क्रेविंग होती है, जो पराठा और ऑमलेट खाया जाता है। मैं भी आपको इसका चश्मदीद गवाह दिखाती हूँ। नाजिया कमर, कम हियर। फरा, कैसी कैसी है आप बताइए। मैं सब खाती हूँ ना, ये कोई डाइट नहीं करती ना, सब पराठा, अम्मी की सब्जियां, देसी घी, मक्खन, में बड़ी खाते पीते घराने की बच्ची हूँ। मतलब तो यहाँ बैठ के मैं वेट करती हूँ, अच्छा नाश्ता ले, अच्छा
अच्छा खाना ले आओ. यस वो होता है. यहाँ कभी किसी के लिए बनाया हो अपने हाथ? हाँ हाँ, ऐसा अम्मी कहती हैं कि हमारा ना खानदानी हमारे हाथ में टेस्ट है. सो मैं बड़े बड़े दावे नहीं कर रही. अगर टीम को पसंद ना आए तो फिर बाद में मुझे कुछ ना कहिएगा. ओके, सो क्या बनना है? आपने कहा था कि चिकन बनाएंगे आप. कौन सी चिकन? वैसे कोरमा है कि कढ़ाई? चिकन कढ़ाई है. मैं सिंपल बनती हूँ, सिंपल चीजें पसंद करती हूँ ताकि हम आराम से खा सकें. ना पसंद आए तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं. ओह सॉरी, ये मैंने आपको बताया था कि चिकन जो है ये वॉश्ड है, इसको साफ करके रखवाया है क्योंकि मुझे पता था. इतनी क्वांटिटी में बनाना है? बंदे भी तो देखे ना कितने सारे हैं. हाँ, हमारे देखे वो हमारे साउंड वाले, वो हमारे कैमरामैन, वो हमारे प्रोड्यूसर, तो हाँ सबको पूरा आएगा. So, आज सारे इंटरनेशनल वुमेन डे पे सबा कुमार के हाथ की बनी हुई कढ़ाई खाने लगे. ये मुझे इंटरनेशनल वुमेन डे नहीं लग रहा, ये मुझे इंटरनेशनल मैन डे लग रहा है. अल्लाह इज्जत आप इज्जत रख देना. अच्छा, अब इसमें क्या? तो ये है जनाब वो मसाला जात जिनकी हमें जरूरत है. अच्छा, इसका इसका सीन ये है कि चूंकि हमें क्विक बनाना है तो इसको बॉईल किया हुआ है. अच्छा, ताकि गल जाए, बाद में शर्मिंदगी ना हो कि यूं करके लहसुन बना आ रहा हो बोला कि ये सबा का मैंने बनाया है, ये कच्चा रह गया. सो ओके, अब हमें चाहिए एक अदद कढ़ाई. ठीक है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे क्या? मैं मदद करूंगी आपकी. अपने शो में तो आप बहुत मदद करती हैं. क्या करूं, आदत है मुझे जरा थोड़ी सी. हाँ, प्याज मैंने नहीं काटी. मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मुझे प्याज से एक प्रॉब्लम है. मुझे लगता है कि जैसे प्याज की स्मेल जो है वो नहीं जाती. आपको सही लगता है? है ना, वो जाती नहीं है. मैं अपनी बहन से हमेशा पूछती हूँ कि नाजिया अच्छा बीच में मैं अगर 24 घंटे इसको ना हिलाऊं तो मसला तो नहीं है ना? कोई मसला नहीं. ये साफ है, बल्कि साफ करके रखी हुई है. जब जैसे आप बनाना, टीवी के खातिर हमें दिखाना पड़ता ना, इन्होंने बाहर से निकाला और रखा, थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ता. ओके, सो हमने कढ़ाई रखी और उसके बाद ये ऑयल डालना है. इसको थोड़ा गर्म करना है. और जब ये ऐसी भी बात नहीं है, बना चना लेते हैं कुछ ना कुछ. अच्छा सवाल, तो दिन में कितना टाइम जो है वो किचन में? कितना टाइम? ये नाजिया कमर बहुत अच्छा बता सकती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. वो मुझे नीचे से कॉल करती हैं, मैडम पीस के साथ नीचे आ जाएं, आ जाएं प्लीज, नीचे आ जाएं. तो लेट मी वॉश माय हैंड्स. पीस का नाम याद आया. पीस, अच्छा पीस को साथ लेकर ही आप आती हैं नाश्ते के लिए भी? हाँ, पीस मेरे साथ आती है, शी इज जस्ट लाइक माय बच्चा. तो पीस आती है, फिर पीस का लिटर बॉक्स आता है, साथ में उसका बिस्किट्स, उसका पानी, वो सारी चीजें. और पीस फिर यहाँ घूमेगी, फिर पार्क में जाएगी. ऑयल गर्म हो गया. इसको मैं इसलिए नहीं ऑन करी क्योंकि हमारी ऑडियो में प्रॉब्लम होगा. उसके बाद बहुत ज्यादा जाएगी. सो प्याज डालिए. सुबह किन के लिए खाना बनाया हुआ है पहले? अपने लिए. सब काम सब अपने लिए करती है. अच्छा, सवा ने कभी किचन की कैबिनेट्स खोल के अरेंज किए? हाँ हाँ, बहुत शदीद. और मेरा घर में बस घुसने की देर होती है. अम्मी कहती है पता नहीं साफ सुथरे घर में भी कीड़े निकालती है लड़की. अच्छा, मेरी बहन से पूछे नाजिया कमर ऑफ द कैमरा बता दीजिए अगर आपको शर्म आ रही इधर आते हुए. अच्छा, हर एक चीज को जैसे ये चीज इनको अरेंज करना, रीअरेंज करती हूँ. मुझे गुस्सा आता है मेरे घर में कोई भी आता है, मेरे ग्लास पॉट टूटते हैं. तो जाकर मैं खुद परचेज करती हूँ. अच्छा, फिर वो मुझे डिजाइन नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेट चाहिए या मुझे राउंड चाहिए. नहीं नहीं, इसका ठीक नहीं. तो मेरी बहन समटाइम्स ये होता है मार्केट में खड़े होकर मुझे पिक्चर सेंड करती है. हाँ ये ठीक है, हाँ ये ले लो, इसमें क्लास है. पहले पूछना कि क्या चाहिए. हाँ, क्योंकि इसको पता है मैं क्या करती हूँ. नहीं नाजो मजा नहीं आया, नहीं नहीं नहीं. और मुझे कलर्स नहीं चाहिए होते, मुझे व्हाइट चाहिए. थोड़ी देर के हमारे साथ आ जाए यहाँ पे. हाँ, अगर आप बुकिंग करें मैं बातें कर लूँ. हमने तो आज सबा कमर के हाथ की कढ़ाई की. बस सही है. अच्छा, जिंदगी में कितनी दफा, किस किस के लिए? बहुत कम. हाँ, कोई था तो शायद एक बार, और फिर था नहीं तो फिर कभी नहीं. क्या बातें हम करें. नहीं नहीं यार, सिर्फ खवातीन की बात होगी तो ज्यादा नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सा है सबा जो हर औरत को आना चाहिए? यार औरत चीज को सारे काम आने चाहिए. मुझे लगता है औरत किसी के मोहताज ना हो कभी, सब आए उसको. खाना भी बना ले, खाना भी बना ले. जो चीजें मुझे पसंद है वो मैं बना लेती हूँ. इसमें कोई झूठ नहीं है. ठीक है, लेकिन सबा ने ये तो अभी क्लियरली बता दिया. और अक्सर आजकल मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रही हूँ. बाय द वे नाजिया कमर, सही कह रही हूँ ना? ये अच्छी बात कर दी. मतलब आपकी इस जीरो साइज को मैं स्लिम फिट, आपकी उसका क्या राज है फिटनेस? कोई राज नहीं. पहले मैं जिम जाती थी, जब से मेरी वो एंकल ट्विस्ट हुई है मैं नहीं जा पा रही. तब से मैंने या मैं रैंप पे वॉक कर रही थी. एग्जैक्टली, आपने देखा होगा हर न्यूज चैनल में बड़े आराम से. सबा गिर गई, गिरी तो सही
लेकिन अगर आप जितनी ग्रेस से उठी और फिर जैसे आपने वॉक दी दे तो दी, उस पे हैरान हो गई थी। उसके हैरान होने के बाद 4 महीने से मैं उधर ही पड़ी हूँ। मैं कुछ जिंदगी में कोई काम ही नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि हाई हील्स मैं नहीं पहन सकती, तेज वॉक नहीं कर सकती, तो जिम मैं नहीं जा रही। मेरा बेचारा ट्रेनर जो है नबील, वो मुझे कॉल करके कहता है आज आ जाए। मैंने कहा मैं वर्कआउट कैसे करूँगी, वार्म अप कैसे करूंगी जब तक मेरा वो उस पर प्रेशर नहीं आता ना मेरे इस पाँव पे। तो उसने कहा कि हुआ क्यों था, वो कैसे हो गया था, मतलब कि आप एकदम से गिर गई। इतना सच बोलूंगी नेक्स्ट टाइम कोई लेगा नहीं। आई थिंक वो पर्ल्स थे उस ड्रेस के लास्ट में, वो बड़े बड़े थे, वो ऐसे करके घूमते हुए, क्योंकि रैम बहुत स्लिपरी होता है ना, तो हाई हील्स थी, पेंसिल हील थी, तो जब ऐसे करके, अब मुझे आदत नहीं है, नॉर्मली जो मॉडल्स होते हैं ना वो ऐसे ड्रेस उठा के, मुझे लगता है गंदा लगता है उठा के चलना। सो मैं यूं थी फुल कॉन्फिडेंस के साथ यू नो वॉक दे रही थी, तो वॉक देते देते वो पर्ल जो मेरी हील के नीचे आया, वो आया तो वो स्लिप करके वो हल्का सा, मैं यूं हुई, मैं प्रॉपर गिरी नहीं हूँ, वो हाफ वे में जो उठी हूँ ना तब तक मेरी एंकल ट्विस्ट हो चुकी थी, इतनी पेनफुल थी। वहां तो मैंने इज्जत रखने के लिए वॉक दे दी कि भाई मैदान छोड़ के नहीं भागने वाली मैं।